कि सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं है बल्कि बजाय खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, यहाँ आकर जम्मू कश्मीर में आकर रिसेंटली जो यहाँ पर आए और हमारे होम मिनिस्टर ने भी कह दिया। मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात है न, कोई ऐसा कोई वाक़ा है इस वक्त कि इलेक्शन को डिले किया जाए, बल्कि हम 10 सालों से महरूम है आर्मी सरकार से, जितना जल्दी मुमकिन हो सके बल्कि इनको 15 अगस्त के बाद ही नोटिफिकेशन का इजरा करनी चाहिए ताकि बेताबी से जो यहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने मुंतखबा सरकार चुनने के लिए, और आपने देख लिया कि लोगों के मसाइल कितने हैं, मुश्किलात क्या है, तो इनका सदबाब एक ही, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी से कोई मामला आज तक ना हल हुआ ना हल होने वाला है। आप देखिए जमीनी हकाई कुछ और है, जबानी हकाई कुछ और है, जो आप खुद बजाय खुद भी मुशाहिदा कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का आनर ही करना ही है, दूसरी तरफ जो बजाय खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, तो जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन का ऐलान करे ताकि एक मुंतखब सरकार चुनके आएगी जो लोगों के मसाइल और मामलात है उनकी तरफ तवज्जो। मैं नहीं कह सकता हूँ, हालात तो है ही, ये आज की डेट में नहीं है, जब 96 में इलेक्शन हुई उस वक्त इससे भी हालात बदतरीन थे, जब उस वक्त इलेक्शन कराए गए जब कोई गुंजाइश नहीं थी। आज ये जो अब इनका ही है देखना है, इसमें हर वक्त इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस, हालात ठीक है पार्लियामेंट के अंदर, आज भी कह रहे हैं, जब पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, सरकार इनकी है, हालात को सुधारना ठीक करना इनका काम है, और इलेक्शन लोगों के हक में जिम्मेदारी इनकी बनती है कि वो इलेक्शन कराए। कि हमें भी दावत मिली थी, मगर मुझे PhD भी में दावत मिली थी, मैं उस वक्त भी नहीं गया। यह सही बात है कि हमें जम्मू कश्मीर के मामले के हवाले से मुतहिद होना चाहिए, मगर अगर आज का जो ये मीटिंग PhD जैसी हो, फिर इस मीटिंग का बुलाना या इसका इनकार करना कोई फ़ायदा नहीं। आप जाएंगे शिरकत के लिए? देखिए मैं वो वक्त फैसला करेगा, अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमें तय करना है कि एजेंडा क्या होगा, किस बारे में बात है, किस लिए जाना है, जबकि उन्होंने PhD में बना के कहा हम आर्टिकल 370 के लिए लड़ रहे हैं, क्या आज तक आर्टिकल 370 के बाद शकली कम टाइम डेमोक्रेटिक फ्रंट PDF जनाब हकीम अहमद यासर।
ریکارڈ بنا نمائند بالکل کامیاب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن مے گئی پانچ بجے دور پتہ چھ پہ زون مے مناسب تم نظر تو یہ اللہ تعالیٰ سند طرف اہس بوڑ خزانہ عنایت کورمت ضلع بڈگ